दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करें आईपीओस की, देखेंगे आज 9 नवंबर को आज के दिन में क्या गिरे मार्केट पे हम ट्रेंड कर रहा है। बात करेंगे आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ का आज आखिरी दिन है, जबरदस्त उम्मीद की जा रही सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है और जबरदस्त इस आईपीओ के अंदर भी गिरे मार्केट पे हम ट्रेंड कर रहा है। और साथ साथ में बात करेंगे इसैफ स्मॉल बैंक आईपीओ के बारे में और साथ साथ में प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी आईपीओ के अंदर क्या गिरे मार्केट पे हम चल रहा है। सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते चलो। बात करें आस्क ऑटो ऑटोमोटिव लिमिटेड आईपीओ के लाइव स्टेटस के बारे में। देखा है तो ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन अभी फिलहाल चल रहा है, आज इसका आखिरी दिन है और अभी तक इसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन आया वो देख लेते हैं और क्या गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो भी देख लेंगे। बात करेंगे सब्सक्रिप्शन की तो क्यूआईबी इसका अभी तक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन का देखा है तो करीब करीब 6% तक ये सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। आज आखिरी दिन है, आज उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ सकता है क्योंकि अक्सर वीडियोज़ में मैं बताता हूँ क्यूआईबी इसका आखिरी दिन और दोपहर में 12-1 के बाद आना स्टार्ट हो जाता है। फिलहाल देखा है तो अभी तक अमाउंट 10 करोड़ तक का अमाउंट लग चुका है। बात करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, देखा है तो करीब 2 से 3 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और अमाउंट भी करीब करीब 285 करोड़ तक का आ चुका है। जो अबाउ 10 लाख तक, जो बिलो 10 लाख तक वो भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। करीब करीब 2 टाइम और 3 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। बात करेंगे रिटेल की, हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। करीब करीब 1 से 2 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन आ चुका है और सबसे ज़्यादा अभी तक का अमाउंट करीब करीब 495 करोड़ तक अमाउंट रिटेल का ही लगा है। ओवरऑल अगर टोटल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो आईपीओ 1 टाइम फुली ओवर सब्सक्राइब हो चुका है और उम्मीद की जा रही है आज के डेट में भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। करीब करीब देखा जाए तो अभी तक 790 करोड़ तक अमाउंट इस आईपीओ के अंदर लग चुका है। ओवरऑल अगर डे बाई डे के बारे में बात करते हैं तो अभी तक इसके अंदर फर्स्ट डे देखा है तो करीब करीब 7 तारीख को 39% तक सब्सक्रिप्शन आया था। सेकंड डे इसका कल था और कल के दिन करीब करीब 1 टाइम से ज़्यादा इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आ चुका है। चलो इस आईपीओ के अंदर आज की डेट में क्या गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करें। आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड आईपीओ के डे बाई डे गिरे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज की डेट में जो गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। आज 9 नवंबर 2023 और आईपीओ की जो हाईएस्ट प्राइस बने 282 रुपीज़ पर यह आईपीओ आया हुआ था और आज की डेट में करीब करीब 17 से 18% तक इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली। करीब करीब ये आईपीओ 50 रुपये तक का हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 282 रुपीज़ का ये आईपीओ 332 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है आज के डेट में। आज का आखिरी दिन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से डीमेट अकाउंट ओपन करके आस्क ऑटोमोटिव के अंदर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये आईपीओ भी आने वाले वक्त में अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते। बात करें इसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में, देखा जाए तो ये आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया। ज़बरदस्त ये आईपीओ चला और 3 तारीख को स्टार्ट हुआ था, 7 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो गया। अब इसके अंदर बेसिक जो अलॉटमेंट देखने को मिलेगा वो कल के डेट में, यानी फ्राइडे के दिन इसके अंदर अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट कैसे चेक करेंगे, कौन से वेबसाइट पर चेक करेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। 13 तारीख को रिफंड हो जाएगा और 15 तारीख को ये हमारे डीमेट अकाउंट में आएगा। उसके बाद मेन डेट आती है इसकी लिस्टिंग की। फिलहाल दिखा है तो इसकी लिस्टिंग 16 तारीख को होगी। लिस्टिंग के दिन क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहेगी और साथ साथ में लिस्टिंग गेन किस तरह लिया जाए वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल चलो देख लेते हैं आईपीओ और भी क्या अपडेट है साथ साथ में। स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आईपीओ के डे बाई डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। आ जाए 9 नवंबर 2023 आईपीओ की जो प्राइस थी हाईएस्ट प्राइस बैंड 60 रुपीज़ पर आईपीओ आया हुआ था और आज के डेट में करीब 35% तक तेजी देखने को मिला। स्टार्ट में देखा है तो आईपीओ 30 से 32% पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी भी जब से आईपीओ क्लोज हुआ है अब इसका अलॉटमेंट भी होने वाला और अभी तक इसके अंदर 35% तक की तेजी देखने को मिला। नहीं कह सकते आईपीओ 60 रुपीज़ का, आईपीओ 81 रुपीज़ से फिलहाल ट्रेड करा, यानी करीब करीब 21 रुपीज़ का प्रॉफिट देखने को मिला। जब ये आईपीओ की लिस्टिंग हुई तो उम्मीद की जा रही है इस आईपीओ के अंदर हमको 40 से 50% तक की लिस्टिंग देखने की उम्मीद है। जैसे भी रुझान रहा डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते चलो। बात करें प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में, फिलहाल देखा है तो ये आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया। कल इसका आखिरी दिन था और अभी तक इसके अंदर क्या सब्सक्रिप्शन आया वो देख लेते हैं और क्या गिरे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देखेंगे। बात करेंगे सब्सक्रिप्शन की तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन यानी क्यूआईबी के जरिए करीब करीब 46 से 47% तक का इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और अमाउंट भी करीब करीब 4,400 करोड़ तक का देखने को मिला। और बात करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तो करीब करीब 31 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन है। ये कह सकते हैं 31 में से किसी एक को ही सब्सक्रिप्शन मिलेगा और अमाउंट भी करीब करीब 2270 करोड़ तक का अमाउंट भी देखने को मिला। इसके अंदर भी जो अबाउ 10 लाख थे, जो बिलो 10 लाख तक 33 टाइम्स और 28 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन आया। इसी के साथ में बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर से, रिटेल इन्वेस्टर देखा है तो करीब 8 से 9 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन आया और अमाउंट भी 1495 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट भी आता वो देखने को मिला। एक खास कोटा और रखा गया था एम्प्लॉयज़ का, कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी सब्सक्रिप्शन लिया, करीब करीब 1 से 2 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और अमाउंट भी करीब करीब इसके अंदर 17 करोड़ का अमाउंट लग चुका है। बात करेंगे रिटेल की, रिटेल की ये कह सकते हैं 9 में से किसी एक को ही सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जिसके पास 9 अकाउंट होगा समझ लो उसको 100% एक
सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, वो भी एक लॉट। और बात करेंगे इसके अंदर टोटल सब्सक्रिप्शन, देखो करीब करीब देखा जाए 22, 23, 24 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन आया, कह सकते करीब करीब 24 टाइम ये IPO फुली वर्ल्ड सब्सक्राइब हुआ। मेन बॉडी IPO था और अमाउंट करीब करीब 8273 करोड़ तक का अमाउंट भी लगता हुआ देखने को मिला। चलो इस IPO के अंदर आज के डेट में क्या गिरे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो भी देख लेते हैं, उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करें। प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड IPO की डे बाई डे गिरे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज के डेट में जो गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड करा है वो देखेंगे। आज 9 नवंबर 2023 792 रुपीज़ पे IPO आया हुआ था, 883 रुपीज़ पे ट्रेड करें, करीब करीब 10% तक का इसके अंदर हमको आज के भी डेट में प्रॉफिट देखने को मिला। स्टार्ट में करीब करीब 22% तक का ये IPO हाई अपना लगा चुका था, लेकिन मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली जिसका असर सभी गिरे मार्केट प्रीमियम पे भी देखने को मिला था और जिसका असर इस IPO पे भी देखने को मिला। अक्सर वीडियो में मैं बताता हूँ कि अगर कोई IPO आता है अगर 10 से 15% पे भी लिस्ट होता है उसको अच्छी लिस्टिंग मानी जाती है। इस IPO के अंदर भी हमको 10 से 20% के बीच में लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, जैसे भी रुझान रहा डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलो।